हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमिताज किचन। आज हम काथी रोल बना रहे हैं। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स यहाँ बताए हैं, उसी हिसाब से आपको लेने हैं। मुझे और मेरे बच्चों को तो काथी रोल बहुत ही पसंद है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पसंद आएंगे। मीडियम आंच पे गरम करेंगे। सबसे पहले 2 टेबलस्पून बटर डालेंगे और उसके बाद तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अब इसको हम मेल्ट होने देंगे और उसके बाद 6 से 8 क्रश्ड किए गार्लिक डालेंगे। जैसे ही गार्लिक थोड़ा सा पक जाए उसके बाद 1 टेबलस्पून चिली जिंजर पेस्ट डालेंगे। अब इसको भी धीमी आंच पर हम अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही ये तैयार हो जाता है उसके अंदर 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट लेंगे और उसके बाद मिक्स कर देंगे। इसको भी हल्की आंच पे ही हमें पकाना है, जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। उसके बाद हमको स्वाद अनुसार नमक डालना है। नमक डालने के बाद हम 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, उसके बाद धनिया जीरा मसाला और 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा चेंज होता है मसालों का, हम 2 कप टोमेटो प्योरी डालेंगे। अब इसको भी हम थोड़ी देर हिलाते हुए कुक कर लेंगे। ये जब तक धीमी आंच पे पक रहा है तब तक हम काथी रोल बनाने के लिए जो पराठे का आटा लिया है उसमें से बड़ी साइज की रोटियां बेल लेंगे। पराठे का आटा हम जैसे रोटी बनाने के लिए गूंदते हैं वैसे ही तैयार करना है, थोड़ा सा मोयन और नमक डाल के। अब इस बड़ी सी रोटी को हम तैयार करके बेल करके और गैस पर पका लेंगे। इसको दोनों तरफ से हल्के से गोल्डन ब्राउन कलर का सेक लेंगे। आप इसे बटर या ऑयल जिसमें चाहे सेक सकते हैं, लेकिन बटर के साथ में थोड़ा टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। अब दूसरी तरफ हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब इसके अंदर 1.5 कप कटा हुआ पनीर डालेंगे। पनीर क्यूब आप अपनी हिसाब से पसंद से उसी साइज़ के काट सकते हैं और 1 कप शिमला मिर्च डालनी है। अब इसमें हिलाते हुए हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये जल ना जाए।
थोड़ी देर हिलाने के बाद इसको अब हम ढक्कन से ढक दें ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। देखिए ये तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और काथी रोल का मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी आधा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच ड्राई मैंगो पाउडर डालेंगे। नमक इसमें स्वाद अनुसार मैंने तकरीबन आधा चम्मच डाला है, आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। इसको हिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं क्योंकि कई बार मसाले में छोटी छोटी गांठें होती है, स्पेशली इन ड्राई मैंगो पाउडर में, तो उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक दूसरे बाउल में 3 बड़े चम्मच मेयोनीज लेंगे और 1 चम्मच चिली सॉस, इसको भी अच्छे से बीट करके मिक्स कर लेंगे। अब हमने काथी रोल के लिए जो चपाती बनाई थी उसके ऊपर ये मेयोनीज और सॉस का जो मिश्रण है वो अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब इसके ऊपर मसाला स्प्रिंकल कर देंगे अच्छे से चारों तरफ। अब हमने जो पनीर और शिमला मिर्च को ग्रेवी के साथ बनाया था उसको अच्छे से एक कोने से दूसरे कोने तक फैला देंगे। अब उसके ऊपर कटा हुआ बारीक प्याज, कैबेज और गाजर डालेंगे। थोड़ा सा नींबू, यदि आपको खट्टा पसंद नहीं है तो ये ऑप्शनल है। अब इसके ऊपर चीज़ ग्रेट करके डाल देंगे। अब काफी रोल अच्छे से कसकर बंद करना है और बीच में से इसको काट लेंगे। देखिए ये तैयार हो गया है। अब इसे हम सॉस के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका, आपको भी पसंद आएगा। थैंक यू।